My name is Gurjeet Singh, graduated from Government College, University Lahore, recently enrolled in MPhil Biochemistry from Minhaj University Lahore. हमारे जो फोर फादर्स थे वो बेसिकली बिलोंग करते थे केपीके के बैकवर्ड एरियाज से, जैसे कोरमेजन से और एग्जे एजेंसी, इन एजेंसी से ताल्लुक़ रखते थे। तो वहाँ से जब उस वक्त पार्टीशन के दौरान हमारे जो थे अबाऊ जैदाद, वो यहाँ पे पाकिस्तान को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। अब अगर हम करें ननकाना साहब पंजाब की बात करें, तो हम यहाँ पे आबाद हुए 2007 के बाद। एक हमारे लिए अपनी प्लेस थी, बाबा गुरु नानक देव जी का बर्थ प्लेस है, हमारे लिए एक अहम मकाम रखती है, तो इस वजह से हम यहाँ पे आबाद हो गए। यहाँ पे पैर धोते हैं, यहाँ पे सर पे कपड़ा बांधते हैं ये, पर मोस्टली लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता, उनमें अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस क्यों नहीं है? क्योंकि किसी बुक में नहीं लिखा गया, किसी एथिक्स बुक में सिख कम्युनिटी के ऊपर कोई चैप्टर नहीं है कि वहाँ पे बताया जाए कि सिख मज़हब किसको मानते हैं, क्या है, क्या तरीकाकार है, क्या सिस्टम है। किसी चीज़ में आप हमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो फिर लोगों का कंसेप्ट क्या हुआ है? लोगों का कंसेप्ट टोटली नेगेटिव पे चला जाता है। तो उन नेगेटिव पहलुओं को ख़त्म करने के लिए कि हम एक वहदानियत के ऊपर यकीन रखते हैं, सिख मज़हब में इस तरह की इबादत होती हैं, सिख मज़हब का ये कल्चर है, ये रहना सहना है, ये तरीक़ाकार है, इन चीज़ के ऊपर जिन लोगों को सिख मज़हब के हवाले से किसी चीज़ का नहीं इलम था, तो उनके वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ी कि वहाँ पे हमें इस तरह के डायलॉग्स करने चाहिए, ताकि लोगों में जो कंसेप्ट बना हुआ है कि सिख मज़हब है ही नहीं, मोस्टली लोग अभी भी हमें एज अ हिंदू तसव्वुर करते हैं। हमें हमारे में एक कंसेप्ट है कि अपने डेली बेसिस की कमाई के ना 10वां हिस्सा अपने गरीबों को देना है। तो उन 10% से मैंने एक मुहिम स्टार्ट की थी कि राशन शुरू किया था। उस वक्त मैं सिर्फ दो घरों को राशन देता था, ये 2011 की बात है। फिर वो राशन से थोड़ा दो घरों से 10 हो गए, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, वो पहुँचते पहुँचते 150-200 तक पहुँच गए। तो जब मैं वहाँ पे जीसी यूनिवर्सिटी के अंदर एज ए स्टूडेंट था, तो उस वक्त हमने बाबा गुरु नानक देव जी एम्बुलेंस इंट्रोड्यूस करवाई मियू हॉस्पिटल के अंदर, जो अभी भी अपना रोल प्ले कर रही है। शोर फाउंडेशन फॉर एजुकेशन एंड अवेयरनेस के ज़ेर एहतमाम अमन क्लाब का जो प्रोजेक्ट था, सलामती फेलोशिप के फॉर्म जो हमने अप्लाई किया था, जिसका सारा कुछ हमें मतलब अपना नाम सारा कुछ हमने जहाँ से फाउंड किया था पीसवी डॉट बॉर्डर के एक पेज के तहत हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलती गई। 9 बजे हमारे एग्जैक्ट सेशन स्टार्ट होते थे, डिफरेंट डेज पे डिफरेंट सेशंस होते थे, डिफरेंट स्पीकर्स आ जाते थे। जब हम वहाँ से वापस आए तो हमें कैब्स अलॉट किए गए, कम्युनिटी एक्शन प्लान। तो कम्युनिटी एक्शन प्लान जब हमें असाइन किया गया, तो हमने कम्युनिटी एक्शन प्लान को कुछ इस तरह से इम्प्लीमेंट किया कि हमने गुरुद्वारा जन्म स्थान के अंदर रोल ऑफ रिलीजियस लीडर प्रमोटिंग पीस इंटरफेथ हारमोनी अमंग यूथ के ऊपर एक सेमिनार भी रखा था। कहाँ पे रखा सेमिनार? हमने रखा गुरुद्वारा जन्म स्थान के अंदर, जहाँ पे 1947 के बाद, मतलब अगर हम पीछे भी जाएँ तो ये गुरुद्वारा 1469 से हैं, पर पीछे जाएँ तो इस तरह की एक्टिविटीज़ गुरुद्वारे के अंदर परफॉर्म नहीं होती, ना इनको अलाउ करवाते हैं, क्योंकि लोग इसको दूसरे रंग में ले जाते हैं। पर इंटरफेथ पीस के ऊपर पाकिस्तान से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से जब बातचीत हो गई, तो उन लोगों ने हमें इस चीज़ के लिए अलाउ कर दिया गया। ननकाना साहब के अंदर हमने इसके ऊपर डायलॉग्स करवाए, और डिफरेंट फेथ की जिनको नहीं इलम था कि सिख मज़हब क्या होती हैं, वो हिंदू कम्युनिटी से अलहदा है या एक है, तो वो चीज़ें उनके कंसेप्ट जो थे ना चारों मज़ाहब के, जो हमें डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर ले जाते हैं, जो सिमिलरिटीज़ लेके आते हैं चारों मज़ाहब के ऊपर, जो चीज़ें थी वो करके हमने उसके बाद एक गुरुद्वारे की विज़िट करवाया, और वहीं से हमने लंगर करके अपने अपने जगहों पर रवाना हो गए। और उसका जो इम्पेक्ट ये था मेन, बाद में जो हमें उसके एक चीज़ नज़र आई वो ये थी कि जब डिफरेंट आप रिलीजियस एक्टिविटी परफॉर्म करोगे ना, तो किसी न किसी जगह पे रंग ले ही आती है पीस के ऊपर। तो वो पीस ये था कि रिसेंटली ईद उल मिलादुल नबी का जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो
जन्मदिन हम कहते हैं 12 रबी, और उनको गुरुद्वारा जन्म स्थान के अंदर पंजाबी सिख संगत की तरफ से बड़े प्यार प्रेम उत्साह नाल मनाया गया।